बड़ी बहू वर्षा हर काम में बहुत तेज थी, वहीं छोटी बहू हर्षा हर काम आराम से करती। वर्षा को अपनी तेजी पर बहुत घमंड था, वो बात बात पर हर्षा को ताना मारा करती। एक दिन वर्षा किचन में खाना बना रही होती है और हर्षा से कहती है, देवरानी जी इतना धीमे धीमे खाना बनाओगी तो लोग भूख से मर जाएंगे, पिछले जन्म में कछुआ थी क्या? मेरा तो पता नहीं, आप बहुत तेज हो, आप पिछले जन्म में घोड़ा थी क्या? वर्षा आराम से चली जाती है। खाना खाने के बाद वर्षा का पति गौतम, हर्षा का पति लोकेश और उनके माता पिता बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी सास कहती है, अरे रामायण लगा दो हर्षा। हर्षा धीरे धीरे चैनल बदलती है। जब तक रामायण की चैनल पर पहुंचेगी, रावण मर भी चुका होगा। हाँ बेटा हर्षा, जल्दी लगा देना, राम भगवान के दर्शन कर लूं। जी लगा तो रही हूँ। इतना स्लो, सासू माँ इतने में तो अयोध्या जाके राम भगवान के दर्शन कराएंगी। सब वर्षा की बात पर हंसने लगते हैं। वर्षा हर्षा के हाथ से रिमोट लेकर रामायण लगा देती है। हर्षा बुरा नहीं मानती और वो भी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन हर्षा खाना खा रही होती है, तभी वर्षा वहाँ आके कहती है, अरे कितना धीमे धीमे खा रही हो, इतने में तो शादी में 100 लोग खाना खा लेते, आधे घंटे से खाना खा रही हो तुम। अरे खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। हाँ हाँ आप तो चबा के भी खाती हो और दबा के भी। अरे आपको मेरे धीरे खाने से दिक्कत है या ज्यादा खाने से? अरे आप धीमे खाओ या ज्यादा खाओ मुझे क्या, बस मैं ये कहने आई थी कि सुबह कुछ मेहमान आ रहे हैं, जल्दी उठ के खाना बना लेना, देर मत करना। साथ में बनाते हैं ना? तुम्हारे साथ बनाऊंगी तो स्पीड को 5वें गियर से पहले गियर पर ले आना पड़ेगा। अरे भाई तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी तेज रफ्तार पर भी असर पड़ेगा और मैं भी तुम्हारी तरह हौले हौले काम करने लगूंगी सब। ठीक है, मैं पराठे बना लूंगी और सब्जी बना लूंगी, आप चपाती बना लेना और दाल बना लेना। हाँ हाँ ठीक है, पर अलग अलग ही बनाएंगे। अगले दिन हर्षा जल्दी उठ के काम करने लगती है और वर्षा सुबह उठ के ये सोच के वापस सो जाती है कि काम तो वो तेज कर ही लेती है, अगर थोड़ी देर सो भी जाएगी तो भी हर्षा से पहले तो काम निपटा ही लेगी। हर्षा बेटा आज भगवान के लिए थोड़ा जल्दी हाथ चलाना, हाँ मेहमान आने ही वाले हैं। जी हाँ माँ, अब आटा गूंद लिया है, आलू उबल रहे हैं, पराठे बनाने ही वाली हूँ, फिर सब्जी भी बना लूंगी। इतने में ही वर्षा वहाँ आ जाती है। माँ जी मेरा तो आप टेंशन ही मत लो, अभी उठी हूँ लेकिन देखना खाना फटाफट राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से बना दूंगी। इतने में ही मेहमान आ जाते हैं। आइए आइए आइए, खाना बन ही रहा है, चाय बनवा लेती हूँ पहले आपके लिए। सास किचन में आती है। वर्षा वो लोग आ गए, चाय बना दे जल्दी से। हर्षा को नहीं बोल रही क्योंकि वो तो सुबह की चाय देने में शाम कर देगी। चाय बन भी चुकी है माँ जी। वर्षा तेज ही नहीं सबसे तेज है, आप चलिए मैं चाय लेकर आती हूँ। वर्षा मेहमानों के सामने चाय लेकर जाती है। ये हमारी बहू है वर्षा, तेज वर्षा कहते हैं इसको, हर काम में इतनी तेजी रखती है जैसे मिल्खा सिंह भाग रहा हो। अरे वाह वाह, फिर तो खाना भी जल्दी मिलेगा हमको। हाँ हाँ आप चाय नाश्ता खत्म कर लेंगे, उसके पहले ही वर्षा जल्दी से स्वादिष्ट खाना भी लेकर आ जाएगी। वादा तो कर लिया जल्दी खाना देने का, आपकी चपाती भी नहीं बनी और दाल भी नहीं उबली। फिर भी तुमसे पहले काम खत्म हो जाएगा मेरा, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, घड़ी की सबसे पतली सुई की जैसी धीमे 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 काम करती हो तुम। बस वर्षा अपने तेज हाथों से दाल कुकर में चढ़ाती है और आटा निकाल के गूंथने लगती है। थोड़ी देर में कुकर की तेज सीटी बजती है,
और वर्षा का हाथ डोल जाता है। आटे में पानी ज्यादा पड़ जाता है। अरे रे, आटा तो ज्यादा गीला हो गया। वर्षा जब रोटी बेलने लगी तो एक भी रोटी गोल नहीं बन रही थी। कोई रोटी श्रीलंका के नक्शे जैसी थी तो कोई रोटी ऑस्ट्रेलिया के नक्शे जैसी बनती। वर्षा चिढ़ जाती है। कुकर फिर से जोर से सीटी मारता है। सास बाहर से आवाज देती है, वर्षा बेटा आज स्पीड थोड़ी कम लग रही है, टाइम और लगने वाला हो तो बता दो बेटा। वर्षा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि कभी उसकी तेजी पर कोई सवाल उठेगा। वहीं हर्षा धीमे धीमे अपना काम करती रहती है। वर्षा दाल बनाते वक्त भी इतनी घबरा जाती है कि जल्दबाजी में दाल में नमक ज्यादा गिर जाता है। वर्षा का खाना फिर भी हर्षा से जल्दी तो बन जाता है, और जब खाना मेहमानों के सामने लगता है तो सब हर्षा के खाने की तारीफ करते हैं। अरे पराठे तो कमाल की बनी है और सब्जी भी, बस दाल में नमक थोड़ा इधर उधर हो गया है। वर्षा को बहुत शर्म आती है और वो नीचे सर करके खड़ी रहती है। तभी हर्षा कहती है, वो ना मैं थोड़ी जल्दबाजी कर गई और नमक ज्यादा हो गया, पर पराठे तो वर्षा भाभी ने ही बनाए हैं, इसीलिए तो अच्छे बने हैं। वर्षा ने कभी नहीं सोचा था कि हर्षा के काम की इतनी तारीफ होगी, लेकिन वो उसका यश वर्षा को दे देगी।